हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव सोपती एंड वेलकम टू अवर चैनल होम ग्राम। आज का टॉपिक है DDJY फ्लोर्स फॉर्च्यून और फॉलआउट। सो एक ऐसी अंडर एस्टिमेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो कि गुड़गांव में स्पेसिफिकली बात करो, आने वाले टाइम पे फॉर्च्यून बनेगी या फॉलआउट रहेगी, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो दीनदयाल जनवास योजना के बारे में हर किसी को पता है कि आज आपको दीनदयाल जनवास योजना के जितने प्लॉट्स मिलते थे वो लगभग 180 गज से छोटे प्लॉट साइज होते थे। उसी पे सारे के सारे डेवलपर्स ने बिल्डर फ्लोर्स बनाने शुरू किए, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, जिनकी एक पूरी सोसाइटी बना दी। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे लाइव एग्जांपल्स हैं, पिछले 2 से 2.5 साल में आपको मल्टीपल एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। सो एक जो चीज़ सबसे बढ़िया थी इन फ्लोर्स की वो ये थी कि एक ऐसी सेगमेंट को, एक ऐसे टिकट साइज को कैटर करते थे जो कि गुड़गांव में बहुत मुश्किल है हंट करना। तो आज हमारे पास फ्लोर्स की टाउनशिप जरूर मिलती है, वाटिका के फ्लोर्स हैं न्यू गुड़गांव में। फिर हम बात करें BPTP एम स्टोरिया द्वारका एक्सप्रेस वे पे है, BPTP ग्रीन ओक सेक्टर 70 है, बड़े फ्लोर्स आपको जो है टाउनशिप मिल जाती है, बट आपको कोई बहुत रेनॉन टाउनशिप नहीं दिखी होगी शायद बड़े फ्लोर्स की, क्योंकि वो टिकट साइज इतना बड़ा हो जाता है कि लोग सोचते हैं 200-250 गज के फ्लोर से बढ़िया मैं किसी सोसाइटी में हाई राइज ले लूं और अपने आप को अपग्रेड कर लूं। सो कंसिडरिंग दैट पार्ट, वो बिल्कुल डिफरेंट सेगमेंट था। बट जैसे ही दीनदयाल जनवास योजना के प्लॉट्स और फ्लोर्स आए, स्पेसिफिकली फ्लोर्स की बात करेंगे, व्हाट वी हैव सीन इज पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ स्मॉलर साइज इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट 3 BHK 1500 स्क्वायर फीट तक, उन लोगों के लिए एक अलग डायमेंशन ओपन हो गया। सो आज वो डायमेंशन की हम बात कर रहे हैं जहां पे लोगों को शायद इतनी बड़ी फैमिलीज नहीं है, जॉइंट फैमिलीज के साथ नहीं शिफ्ट होना चाहते, वो एक न्यूक्लियर फैमिली है या एक कपल है, उनके लिए बहुत अच्छा एप्ट साइज है। एफिशिएंसी ऑफ दीज दीनदयाल फ्लोर्स आर वे टू हाई। रीजनिंग क्या है, एक तो सबसे बढ़िया चीज़ है, यूजली आप देखते हैं 9 मीटर की रोड के साथ साथ आपको मैक्सिमम FAR कवरेज मिल जाती है, बेसमेंट में आपको एक रूम मिल जाता है एंड इट गोज विद टेरेस ऑल्सो, टेरेस में भी आपको स्पेस मिल जाती है। तो ये दीनदयाल फ्लोर फिर मार्केट में सेल क्यों नहीं हो रहे, मतलब आज इतना लंबा टाइम क्यों लग गया है? जहाँ पे हम किसी हाई राइज को लॉन्च करते हुए देखते हैं कि आज आया और 3 से 4 दिन में सेल हो गया, स्पेशली प्रीमियम हाउसिंग मार्केट। आज प्रीमियम लग्जरी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट कोई भी बिल्डर लेकर आ रहा है, ठीक ठाक अगर उसकी कहीं ना कहीं ब्रांडिंग है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर अपना प्रोजेक्ट सोल्ड आउट कर देता है। बट दीनदयाल के फ्लोर्स हम बहुत लंबे टाइम से सुन रहे हैं। सो मुझे आज लगता है ये सबसे अंडर एस्टिमेटेड प्रॉपर्टीज हैं जो लोग शायद सोच रहे हैं कि मेरे को फॉर्च्यून नहीं हाथ लगने वाला, ये फॉल आउट होगा या बहुत लिमिटेड एप्रिसिएशन मिलेगा। बट इफ़ यू विल पर्सनली आस्क मी, इसका रिपल इफेक्ट अगले 3 से 4 साल में दिखेगा। सो आज मार्केट में दीनदयाल के लाइसेंसेज मिलने बंद हो चुके हैं, ये मार्केट में ये पूरी की पूरी स्कीम स्क्रैप हो चुकी है। जिन बिल्डर्स के पास पुराने लाइसेंस हैं वो ही अपनी अपनी इन्वेंट्रीज अभी सेल कर रहे हैं, चाहे वो सिग्नेचर ग्लोबल हो, चाहे वो आपका वाइट लैंड ने ऑलमोस्ट 100% सेल कर दी है, चाहे वो M3M हो, चाहे वो सन सिटी वत्सल वैली हो। सो बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इवन MRG हो। सो ये लिमिटेड प्रोजेक्ट्स जो है अपनी लिमिटेड इन्वेंट्री के साथ एक सेट स्पीड पे हर बारी हर महीने जो है सेल कर रहे हैं और थोड़ा बहुत एप्रिसिएशन कर रहे हैं। बिल्डर, आपको बिल्डर की साइकी जानने की ज़रूरत है। आज अगर टोटल बिल्डर का 600 फ्लोर्स हैं और 600 फ्लोर्स में से अगर वो हर महीने के 50 से 60 फ्लोर ही बेच पा रहा है तो शायद वो उस लेवल का एप्रिसिएशन भी नहीं दिखाता या मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा रेट भी नहीं बढ़ाता। सो समहाउ ये ना दो मुंही तलवार है, एक तो सबसे बड़ी चीज जिन लोगों को सेल्फ यूज के लिए चाहिए उनके लिए तो बहुत बढ़िया है कि रेट इतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे जिस हिसाब से गुड़गांव की मार्केट बढ़ रही है, और दूसरी चीज जिन लोगों ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लिए उनको लगता है इतनी स्लो मूवमेंट, इतना स्लो एप्रिसिएशन। सो ये ना हमने समझना पड़ेगा, ये फॉर्च्यून है या फॉल आउट है। सो दिस इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी। इफ यू पर्सनली आस्क मी, अगर आप सेल्फ यूज के लिए देख रहे हैं, दिस इज अ फॉर्च्यून इन्वेस्टमेंट फॉर यू, बिलीव मी। आज ये टिकट साइज मार्केट से खत्म होने वाला है, आप समझिए ना बात को, 180 गज से नीचे के फ्लोर खत्म हो गए, ऊपर से फोर्थ फ्लोर अभी कुछ सामने है नहीं, फोर्थ फ्लोर ना बना अगर बाय चांस, मैं कहता हूँ वैसे तो चांसेस बहुत हाई हैं फोर्थ फ्लोर आएगा और आप लोगों को दोबारा जो है फोर्थ फ्लोर का बैन हटने के बाद बिल्डर फ्लोर के ऑप्शन मिलेंगे, बट कंसिडरिंग द पार्ट आज अगर नहीं आया तो आप समझिए बिल्डर फ्लोर के बड़े फ्लोर के भी रेट कहाँ पहुंच जाएंगे, जो टिकट साइज आप 1 से 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं ना, मार्केट से वैनिश हो जाएगा, गुड़गांव मार्केट में कुछ नहीं मिलने वाला। सो दिस इज अ लास्ट कॉल, चाहे जितने मर्जी डेवलपर्स हो गए, हम आज थोड़ा सा एस्टिमेशन समझ लेते हैं। आज दीनदयाल फ्लोर्स में मुझसे आप पूछेंगे तो जो सेल्फ यूज करने वाला आदमी है जिसकी 3 से 4 लोग की फैमिली है, आज उसे बेसमेंट में एक रूम मिलता है,
टेरिस स्पेस मिलता है या फुल टेरिस स्पेस मिलता है डिपेंडिंग ऑन द बिल्डर। बिल्डर कौन कौन से अवेलेबल है, आपको सिग्नेचर ग्लोबल के मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं, वो भी हैंडफुल ऑप्शन बचे हैं, सेक्टर 92, 93, 81, 37D, 79 भी। आपको सिग्नेचर ग्लोबल मेजरली दीनदयाल में आपको 5 प्रोजेक्ट जो है ऑफर करता है। उसके बाद M3M आता है, M3M अंटालिया हिल्स, इनका एक प्रोजेक्ट डिलीवर होने वाला है, M3M सेक्टर 89 जो कि न्यू गुड़गांव में है, वो भी एक ऑप्शन आया था। स्मार्ट वर्ल्ड का एक प्रोजेक्ट है, स्मार्ट वर्ल्ड ऑर्किड, नियरिंग पोजेशन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की सबसे बेस्ट लोकेशन पे। फिर एक SPR पे वाइट लैंड का आपका ब्लिस विला आ जाता है, एंड द्वारका एक्सप्रेस वे पे MRG के आपको फ्लोर्स मिल जाते हैं। एक आपका ग्वालपाड़ी पे अगर आप कभी गए हो तो सन सिटी वत्सल वैली आपको दीनदयाल के फ्लोर्स ऑफर करती है। सो दीज आर लिमिटेड टाउनशिप विच ऑफर्स यू दीनदयाल फ्लोर्स। स्पेसिफिकली अगर आप तेजी की बात करें ना मार्केट की, इसकी ये वाली चीज मत देखिए कि दीनदयाल के रेट नहीं बढ़ रहे तो मैं यहाँ पे पैसा लगाऊं ना लगाऊं। अगर आपका सेल्फ यूज प्राइमरी मोटिव है, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज व्हाट आई बिलीव हार्डली ये सारे प्रोजेक्ट भी टोटल कर दूंगा ना तो 1000 यूनिट नहीं होगी। सो दिस इज द लास्ट कॉल, मोस्ट प्रॉब्ली विद इन टाइम स्पैन ऑफ अ मंथ और 2 months मैक्सिमम ऑल दीज इन्वेंट्रीज विल बी सोल्ड आउट। आपको चाहिए कि 1 crore के अंदर आपको दीनदयाल के फ्लोर्स अच्छे सेक्टर में गुड़गांव में, तो आप नीचे DDJY लिखकर शेयर कर दीजिए, हमारी टीम आपको 1 to 1.5 crore रुपए में मल्टीपल ऑप्शंस दे देगी। और फॉर्चून ये 200% है, टेक माय वर्ड्स, इफ यू आर लुकिंग फॉर सेल्फ यूज एंड यू हैव अ थॉट इन योर माइंड कि मेरे इन्वेस्टमेंट भी साथ साथ बढ़े, ये सारी इन्वेंट्री जिस दिन खत्म हो जाएगी और जब मार्केट में इनके पोजीशन मिलने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज यू विल बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी जो कि यूजली हाई राइज में लोग जिस चीज के लिए जाते हैं। सो ऑल दीज दीनदयाल फ्लोर्स गिव यू दैट कम्युनिटी लिविंग, give that clubhouse, give you that security which normally high rise township gives you. So don't miss it. Log jis din experience karenge us din samjhenge is cheez ki ahmiyat. Aaj na ke barabar township hai jo ki deliver hai Deendayal ke floors ki. So experience karne ke baad har kisi ko lagega nahi yaar mere kisi time pe budget mein tha 75 lakh rupaye mein, aaj 1.5 crore ka ho gaya aur aaj 2 crore rupaye mein bhi nahi milti unit, tab aapko lagega ye sabse bada miss out. So if you need Deendayal floors ऑलमोस्ट अराउंड 1 crore स्टार्टिंग प्राइस, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर DDJY लिख सकते हैं। ये 2 BHK का रेट मैंने 1 crore रुपए के आसपास स्टार्टिंग बताया, सेम गोल्स विद 3 BHK अराउंड 1.35 to 4 CR। आप जितनी जल्दी जो है अपना डिसीजन लेंगे उतना ही आपको रेट अच्छे मिलने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।